दिस इज फ्यूरेन। इस फ्यूरेन के अंदर अगर आपने देखें तो 1, 2, 3, 4 इसमें कार्बन है और साइकिल का जो पार्ट है, और एक ऑक्सीजन है जो इस साइकिल का पार्ट है। सबसे पहले हम कार्बन की बात करते हैं। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन देखो 1, 2, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से इन अगर हम सभी कार्बन को देखें, ये 3 सिग्मा, हर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। क्योंकि कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसलिए ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा और एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस वजह से इसका बिफोर हाइब्रिडाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड स्टेट में आते ही इस 2pz में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे, यहाँ पे रह जाएगा एक इलेक्ट्रॉन 2s1, 2px1, y1 और z1। क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आउटर मोस्ट शेल के इनर मोस्ट ऑर्बिटल से शुरू करते हुए जितने हमने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतने एटॉमिक ऑर्बिटल हम यूज करेंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इसके पास है, एक इसके पास है। तो ये एक एस और ये 2p आपस में मिक्स होंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखो एस ऑर्बिटल गोल है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप में है। तो अभी इनकी एनर्जी भी सेम नहीं है और इनकी शेप भी सेम नहीं है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे जिससे हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनकी शेप एक जैसी होगी। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, एक बड़ी लोब और एक छोटी लोब। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखें तो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, हर कार्बन के पास एक बचा हुआ अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, 2pz जिसे हमने दिखाया। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, 3sp2 ऑर्बिटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के हिसाब से अगर इसका डिस्कशन करें, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz। देखो सबसे पहले अगर हम हुंड्स के रूल के हिसाब से देखेंगे तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है इसलिए इनमें सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 8th इलेक्ट्रॉन हम इनमें से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा 8th इलेक्ट्रॉन रखते हैं इस ऑर्बिटल के अंदर। मैं इसे बाद में डिस्कस करता हूं कि ये हमने यहां क्यों नहीं रखा। यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। तीनों की एनर्जी सेम है। ये 2pz ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। हम इसे डिस्कस करेंगे। देखो ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के पास ऐसे होने चाहिए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम करते हैं तो वो आउटर मोस्ट शेल के इनर मोस्ट ऑर्बिटल से शुरू होगा। इनर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। तो एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये जो है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, एक एस और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे जिससे हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक इधर कार्बन के साथ बना रहा है, एक इधर कार्बन के साथ बना रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां दिखाए हैं ये एक ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन के जो है हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस तरह से अगर हम फ्यूरेन के सिग्मा बॉन्ड को अगर देखें तो फ्यूरेन के अंदर सारे सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनेंगे। देखो ये मैंने एक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके ओवरलैपिंग को शो किया है।
जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक बड़ी लोब है और एक छोटी लोब है, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो बड़ी लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए हम उसे ड्रॉ करते हैं और छोटी लोब को इस ड्राइंग में शो नहीं किया। इस कार्बन की तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 1, 2 और 3। ये कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। इसी तरीके से इस कार्बन का ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जिस तरह से मैंने ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड दिखाया, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। टोटल जो ये है सिग्मा बॉन्ड जो है इस तरह से शो करेंगे। ये स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनी हुई है, तो ये सभी जो है सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में अवेलेबल है। ये ऑक्सीजन का वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके अंदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। तो इस तरह से सारे सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास हर कार्बन के पास एक 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन के पास 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ है। जो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। अगर ये सिग्मा बॉन्ड इस प्लेन में है तो पी ऑर्बिटल इस प्लेन में होंगे, सभी जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है उसे मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं। इस तरह से हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन के पास हमारे पास एक 2pz ऑर्बिटल है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो ये p ऑर्बिटल इस p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से ये p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करके साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से हमारे पास फ्यूरेन की ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है, ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये 2pz में है। ये 2pz के ऑर्बिटल जो के जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है इसको हम इस तरह से समझेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में आ सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन सकता है, लेकिन वो पाई बॉन्ड कब बनेगा जब इस पाई बॉन्ड के ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो इसको हम इस तरह से समझेंगे, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बना के बताता हूं। देखो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, अगर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों यहां शिफ्ट हो जाए ये इधर, तो ये ऑर्बिटल हमारे पास खाली हो जाएगा। ये ऑर्बिटल अब इसके साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये जो 2pz के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। इस तरह से ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ सकते हैं, उससे पहले ये जो बाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाने चाहिए। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये एज इट इज रहेगा, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो एक पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे पास, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ आ सकते हैं और ये इधर जा सकते हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी, ये एज इट इज है, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आ गए। इस तरह से हमारे पास फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी, और इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, देखो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड है जिसके अंदर इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के करेक्टर हों। तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे,
इस रेजोनेंस में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और सभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर ऑल द कार्बन और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो इस रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं वो 2p(z) के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग प्लेन में है और ये 2p ऑर्बिटल जो है वो अलग प्लेन में है, तो बचाओ ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब देखो ये फ्यूरेन जो है एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक एंड देयर शुड बी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन सब के साथ साथ ये हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये रूल कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, देखो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहा है, ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गए कार्बन से, ये भी पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेशन करता है, तो 2 जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन से मिल रहे हैं, ये भी पाई बॉन्ड पार्टिसिपेशन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से हम हकल रूल को फॉलो करेंगे, 4n+2 पाई इज इक्वल टू टोटल पाई इलेक्ट्रॉन लिख दो और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास अगर 0, 1, 2, 3 आती है, इस केस में कितनी आ रही है हमारे पास, ये 1 आ रही है, अगर 0, 1, 2, 3 आती है इट मीन्स दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। फिर से देखें, ये प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके साथ हकल रूल फॉलो होना चाहिए, हकल रूल फॉलो हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एरोमेटिक। ओके, इनिशियली हमने ये डिस्कशन किया था कि हम यहाँ पे कार्बन का 2p(z) ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रखते हैं जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, और ऑक्सीजन के केस में हमने जो 8th इलेक्ट्रॉन था वो px और py में ना रख के 2p(z) में रखा था, क्योंकि 2p(z) में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2p(z) कार्बन के इन 2p(z) के साथ पैरेलल हो जाएंगे और पैरेलल होने की वजह से ही ये पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर ये px में या py में इलेक्ट्रॉन होता तब ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है नहीं होता, इसलिए हम 8th इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 8th इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p(z) में रखते हैं, जिससे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो केस है वो है नया मॉलिक्यूल थायोफिन। थायोफिन क्या मॉलिक्यूल है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह अगर हम सल्फर करते हैं, इसके अंदर भी ऑक्सीजन के जैसे 2 नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बाकी स्केलेटन बिल्कुल फ्यूरेन के जैसा है, सेम तरीके से 4 कार्बन है जैसा फ्यूरेन में था, तो हम कार्बन का जो डिस्कशन है उसे दोबारा नहीं ले रहे क्योंकि जो फ्यूरेन में था वो सेम टू सेम रहेगा, ऑक्सीजन की जगह हमने सल्फर ले लिया, ऑक्सीजन और सल्फर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही ग्रुप के मेंबर है, तो इनके आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो सेम है, बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्योंकि सल्फर 16 है तो उसमें चेंज आ जाएगा, उस चेंज को यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3px1 3py1 और 3pz1, तो ये टोटल हो गए, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर 16 नंबर पे है, तो इसका जो 16th इलेक्ट्रॉन होगा वो भी हम 3pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, ठीक है, 3px1 3py1 और 3pz2 कर देंगे, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन फ्यूरेन के केस के अंदर
पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसी तरह से सल्फर के केस में ये 3PZ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो तो इसमें भी ऑक्सीजन की जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे इसको हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर देते हैं, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और तीसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। सेम तरीके से जैसे ऑक्सीजन में था, यहाँ पे सल्फर के अंदर 2pZ की जगह यहाँ बन जाएगा 3pZ ऑर्बिटल है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बनाएंगे। ये डिस्कशन बिल्कुल सेम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी। हम अगर बात करें ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे मैं सल्फर लिख दूं, तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी कोई अंतर नहीं है, बट यहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाने से इसके अंदर एक नया करेक्टर आ जाता है। वो क्या करेक्टर है? ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, सल्फर के अंदर 3D ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल आ जाने की वजह से इसमें एक नए टाइप का रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएंगे। सो मोर विल बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी एरोमेटिक करेक्टर, मोर विल बी स्टेबलाइजेशन। तो एक आगे हम बात करेंगे रेजोनेंस एनर्जी की, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी फ्यूरेन के कंपैरिजन में। सो लेट्स सी सल्फर के डी ऑर्बिटल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैसे बनती हैं। इस तरह के रेजोनेंस के अंदर ये 3pZ से एक इलेक्ट्रॉन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 3d में चला जाता है और 3d में जाने के बाद इसमें फिर से देखें हाइब्रिडाइजेशन वही होगा, sp2 टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे? पहले हम क्या करते हैं, जो इसका स्केलेटन है सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटन वो बना देते हैं और पाई बॉन्ड को फिर से समझते हैं, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बदल जाएगी। हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये पाई बॉन्ड बनाता है। अब हम सल्फर की बात करें, सल्फर में अभी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, एक s और 2p ऑर्बिटल मिलके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें से वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा बॉन्ड बना देंगे और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर की तरफ रख दिया जाएगा। अभी हमारे पास सल्फर के ऊपर 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सल्फर का एक ये वाला ऑर्बिटल कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से सल्फर का ये डी ऑर्बिटल जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरी तरफ कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड बना लेगा और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरह से सल्फर में ये एक नया करेक्टर आ जाता है। सल्फर आने के बाद थायोफिन के अंदर ये एक नया करेक्टर आ गया। ये नया करेक्टर क्यों आया इसके अंदर? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डी ऑर्बिटल है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये सल्फर की तरफ आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास आ जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। इसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होकर इस कार्बन पे आ सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीलोकलाइजेशन होके अभी देखो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया, यहां पे भी और यहां पे भी आ सकता है। कैसे? इसको हम दिखाएं तो ये शिफ्ट होके यहां चला जाए और ये शिफ्ट होके यहां आ जाए, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये शिफ्ट होकर इधर चला गया तो यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और ये शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव था, नेगेटिव रहेगा।
इस तरीके से लास्ट हमारे पास इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कैसे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट से थायफिन के अंदर इतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बन जाएंगे जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलाइजेशन देती है इन कंपैरिजन टू फ्यूरेन।